एसटीएफ को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने 1.25 लाख के इनामी बदमाश गुफरान को मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ की यह मुठभेड़ कौशाम्बी के मंझनपुर के समदा चीनी मिल के पास हुई। मारा गया बदमाश प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इसके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती के 16 गंभीर मुकदमे दर्ज है। एसटीएफ को सूचना मिली कि गुफरान अपने एक साथी के साथ असलहों से लैस होकर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा। एसटीएफ ने घेराबंदी की तो इसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में मारा गया गुफरान इतना कुख्यात अपराधी है कि ये अपने पास पिस्टल के साथ साथ कार्बाइन भी रखता था। गुफरान है प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों की पुलिस इसको काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने की अपील की है। आयशा नूरी की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है, जो जांच की जा रही उस पर अतीक के परिवार को भरोसा नहीं है। अर्जी में आयशा नूरी ने असद के एनकाउंटर की भी जाँच की मांग की है। आयशा नूरी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख को सुनवाई हो सकती है। आयशा नूरी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने से ये साफ है कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अतीक की पत्नी शायस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और जो भी आरोपी है वो कहीं न कहीं दिल्ली या फिर आसपास ही कहीं फरारी काट रहे हैं। कौशाम्बी जिले के दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका परिषद कार्यक्रम में आयोजित प्रधानमंत्री के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी किया। डिप्टी सीएम ने मीडिया के टमाटर के बढ़ते दामों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो अपने देश में महंगाई कम है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला। हमारी सरकार लगातार महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन में आज बताया है, और जो तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो अपने देश में बहुत कम महंगाई। कांची कामकोटी के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती जी 28 जून को प्रयागराज जाएंगे। इस मौके पर एमपी से यूपी बॉर्डर पार करने के बाद शंकराचार्य जी का 1 दर्जन जगहों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद शंकराचार्य जी संगम के आदि शंकर विमान मंडपक मंदिर जाएंगे और 7 दिन प्रवास करेंगे। इस दौरान मंदिर में पूजा अनुष्ठान के कई कार्यक्रम होंगे। 28 तारीख को स्वामी जी नगर की सीमा में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद 29 तारीख से लेकर लगातार 5 तारीख तक होगी और सायंकालीन बेला में वो आम जन से भी मिलेंगे और अपना आशीर्वचन देंगे। Quality education with academic excellence for a better career means Uthan Shambhunath Institution, the best in